हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका हमारा ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में। अपने वीडियो को हम आगे लेकर चलेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास टेंथ का मैट्रिक बिहार बोर्ड, जो स्टूडेंट दे रहे हैं इस साल यानी 2023 में। आप लोगों को पता है एग्ज़ाम कब से है, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारी में पूरे लग जाइए, अच्छे तरीके से उसको पूरा कीजिए। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 और लेसन 2 को देखा था। आज लेसन 3, जो कि हमारा है गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, देखते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए चलते अपने वीडियो के साथ। तो लिखा हुआ है, दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड। ये जो लेसन है किसके बारे में, ये लेसन है महादेवी वर्मा के बारे में, और किसके बारे में, गिल्लू, जो कि गिलहरी है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्विरल वुड नॉट, खाली जगह, आफ्टर बीइंग अटैच्ड सो बैडली। सब लोगों ने कहा था कि गिल्लू बचेगी नहीं, क्योंकि उसको चोट लग गई है। किसके द्वारा, गिलहरी के द्वारा। उनको दो कौओं ने मार दिया था, असॉल्ट किया था, बुरी तरीके से जानलेवा हमला किया था, तो उसके लिए चोट लगा था। तो उन लोगों ने कहा था कि उसका बचना क्या है, मुश्किल है, लिव यानी कि जीवित बचना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं। लिखा हुआ है, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब भी नरेटर बैठती थी कुछ भी लिखने के लिए, तो गिल्लू क्या करता था, उनका अटेंशन यानी उनकी ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था, ताकि महादेवी वर्मा उसको ज़्यादा खिला सके, उसको प्यार कर सके। गिल्लू की फेवरेट थी, और महादेवी वर्मा का भी फेवरेट एनिमल था वो गिल्लू, जो कि है गिलहरी है। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू फेवरेट फूड वाज। इस क्वेश्चन को तो एकदम याद कर जाना है, एग्जाम में आना ही आना है। हर साल ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था। बड़ा ईजी सा आंसर है, क्या हो जाएगा, काजू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, द नरेटर लाइक्ड टू बिलीव दैट ऑन सम, खाली जगह, गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल चूही फ्लावर। गिल्लू, महादेवी वर्मा को विश्वास है कि गिल्लू मरने के बाद उनके घर में दोबारा जन्म लेगा। किस रूप में जन्म लेगा, पौधे के रूप में जन्म लेगा, और वो पौधा किस चीज का होगा, सोंजुई, है ना, सोंजुई का पौधा होगा। और वो मौसम कौन सा होगा, स्प्रिंग का मौसम होगा। महादेवी वर्मा जब गिल्लू मर जाता है, तो गिल्लू को ले जाकर सोंजुई पेड़ के नीचे दफना देती है, और भगवान से कामना करती है कि जब ये फूल खिलेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा गिल्लू मुझे वापस मिल गया है। तो ऐसा उनका प्यार था उनके साथ। तो किस मौसम की चर्चा की गई है, स्प्रिंग की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु हैज रिटन गिल्लू, किसने लिखा है गिल्लू। बार बार चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द, किस स्कूल की वो थी, तो छायावादी स्कूल, छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री। आता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये कि छायावादी स्कूल में वो क्या करती थी, तो छायावादी स्कूल में वो पोएट्री सिखाती थी। वास्तव में एक पोएट है, एक राइटर है महादेवी वर्मा, उनको यामा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है हमारे यहाँ, आप जानते हैं उनके लिए। तो महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस राइटर हैं, और उन्होंने ये लेसन लिखा हुआ है लेसन 3, इसका नाम है गिल्लू। चलिए अगले लेसन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो उनको मंगला प्रसाद प्राइज भी मिला हुआ है, भारत भारती अवार्ड भी मिला है, और पद्म भूषण भी मिला है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकादमी। इस क्वेश्चन को भी याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हमारे बुक में जो दिया हुआ है, हमारे कई जगह हमारे किताब में देता है कि साहित्य अकादमी उनको पुरस्कार मिला हुआ था, उनको पुरस्कार मिला है लेखने के क्षेत्र में। कौन सी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो मेंबर किसकी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माई फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा कला अकादमी। कौन सी अकादमी, यहाँ हम फिल कर देते हैं, कला अकादमी। उनको पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कला अकादमी की वो एक क्या थी जी, इलेक्टेड फेलो यानी एक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आपकी स्क्रीन पर।
टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर टू क्रोज। देखिए वो जो क्रोज है यानी कि कौवे हैं, दो कौवे थे, कितने कौवे थे, दो कौवे थे, उन्होंने गिल्लू को कितना चोट पहुंचाया, दो चोट, यानी दोनों ने एक एक बार असॉल्ट किया और गिल्लू कितना दिनों तक जिंदा रहा, दो साल तक। याद रखेंगे तीनों क्वेश्चन को बहुत आसान से, दो कौवे थे, दो चोट उन्होंने पहुंचाई थी और गिल्लू कितने साल तक जिया, दो साल तक। किसी भी गिलहरी का जीवन कल कितने वर्षों का होता है, दो वर्षों का। तो देखिए वो जो महादेवी वर्मा को लगा कि उसके साथ लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी, है ना, जो चोरी छुपे हम लोग भी खेलते हैं घर में, तो वही उस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। महादेवी वर्मा को लगता है कि दोनों उसको बारी बारी से मार रहे थे और बेचारा गिल्लू छोटा सा बच्चा रहता है गिलहरी का, पड़ा रहता है बरामदे में, जिसको महादेवी वर्मा उठा कर लाती हैं और फिर उसको दूध पिलाने की या पानी पिलाने की कोशिश करती हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है और फिर महादेवी वर्मा का सबसे फेवरेट एनिमल बन जाता है जिसका नाम है गिल्लू, जो कि एक गिलहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What did she see which was amazing? उन्होंने क्या देखा जो कि अमेजिंग था? उन्होंने देखा जब उन कौवे ने मारा उन लोगों को, उनके सामने क्या पड़ा हुआ था, ए टाइनी बेबी स्क्विरल, एक बेबी स्क्विरल, वो रनिंग कर रहा था, बिल्कुल नहीं रनिंग तो कर ही नहीं रहा था, वो तो घायल पड़ा हुआ था उनके वजह से, इनके वजह से, दो कौवों की वजह से, क्योंकि दोनों ने एक एक ठोकर मार दिया था। यानी हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ए टाइनी बेबी स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बाउंड डिड स्क्विरल हैव? अभी मैंने आपको समझाया बहुत ही इजी माध्यम से, देख लीजिए दो कौवे थे, दो घाव था और गिल्लू कितनों दिनों तक जिंदा रहा, दो सालों तक। तो यही आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाउंड्स, उसके शरीर पर कितने चोट लगी हुई थी, गिल्लू के शरीर पर बाउंड कितनी चोट लगी हुई थी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू इयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was everyone's remark about the wounded squirrel? सब लोगों को क्या लगा गिलहरी के बारे में? सब लोगों को लगा कि वो गिल्लू बचने वाला नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा उसे बहुत प्यार करती थी। What everyone remark about the wounded squirrel? देखिए यहाँ पर आंसर गलती लिखा हुआ है, It would survive नहीं होगा, क्या होगा, It would not survive। What was everyone's remark about the squirrel? सब लोगों को लगा था कि गिल्लू बचने वाला नहीं है, would not survive, लेकिन महादेवी वर्मा को विश्वास था, उनकी लगन थी, उन्होंने पूरी कोशिश किया, हीटर को ऑन किया ताकि उसके शरीर को गर्मी मिल सके, पानी पिलाने की कोशिश की, दूध पिलाने की कोशिश की, रुआ से एकदम रुए की फोर से उनको पिलाने की कोशिश की, और फाइनली गिल्लू बच जाता है और महादेवी वर्मा का बेस्ट फ्रेंड भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर होगा, इट वुड नॉट सर्वाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज गिवन टू द स्क्विरल? उस स्क्विरल को कौन सा नाम दिया गया, यानी उस गिलहरी का नाम क्या रखा गया? बिल्कुल वही नाम रखा गया जो हमारे लेसन का नाम है, और हमारे लेसन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, गिल्लू। क्या हो जाएगा, गिल्लू। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है? अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, जॉयफुल या नॉन ऑफ दिस। तो अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल, सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आपके सामने कोई है तो क्या हो जाएगा, वंडरफुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू होता है स्टूडेंट्स, कौन सा लेसन शुरू होता है, लेसन 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूरा वीडियो को देख कर जाइए, आपका 50 में 50 आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा लेसन से भी, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ग्रामर से भी। हमारे सामने ग्रामर का भी वीडियो आपका जरूर बनेगा, ये लेसन का वीडियो बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हमको लगेगा कि इसमें कुछ छूट रहा है तो हम अलग से उसके लिए वीडियो जरूर आपके लिए बना देंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और आप भी इस वीडियो पर विश्वास कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोचिंग को देख सकें, हमारे वीडियो को देख सकें। ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने ऐसी वीडियो के साथ बना रहेगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा लेसन 4 यहाँ से शुरू होता है, तो आप लेसन 4 का नाम बता दीजिए, क्या है लेसन 4 का नाम है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। क्या नाम है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी हमारे देश की फिल्मों के साथ क्या गलत हो रहा है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, और इसके राइटर का नाम क्या है बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं आप। हमारे राइटर का नाम है सत्यजीत राय, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन सिनेमा के राइटर हैं, आज भी लोगों को सिनेमा के क्षेत्र में साहित्य राय उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं,
इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स. इस लेसन में लेखक कंपेयर करता है हमारे सिनेमा की, कंपेयर किससे करता है, वेस्टर्न सिनेमा से, यानी कि यूरोपियन सिनेमा से, वेस्टर्न सिनेमा से कैप्चर तुलना कर रहा है. किससे? वेस्टर्न सिनेमा यानी पश्चिमी देशों के जो सिनेमा है उनसे हमारी तुलना हमारे देश की होती है. कौन तुलना कर रहा है? सत्यजीत राय साहब हमारी तुलना कर रहे हैं. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द सिनेमा खाली जगह इन वेरियस मेजर्स इज द फंक्शन ऑफ पोएट्री म्यूजिक पेंटिंग ड्रामा आर्किटेक्चर एंड होस्ट अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर कंबाइंस करता है. कंबाइन का मतलब क्या होता है? प्लस करना, जोड़ता है. सिनेमा में सिर्फ हम लोग सिर्फ एक्शन नहीं देखते हैं, सिर्फ हीरो या हीरोइन को नहीं देखते हैं, बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है. जैसे पोएट्री म्यूजिक पेंटिंग ड्रामा आर्किटेक्चर यानी बनावट, मालों की बनावट या फिर बिल्डिंग्स की बनावट के लिए आर्किटेक्चर होता है. इसके अलावा होस्ट अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, प्रत्येक प्रकार की कला का उसमें नमूना पेश किया जाता है. तो ये क्या करता है? सारे नमूनों को क्या करता है? जोड़ता है, प्लस करता है. अगला क्वेश्चन है. ऑफन बाय अ क्वेर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग खाली जगह वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद द मेलोड्रामा. कई बार सिनेमा में ये देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है, गतियों के साथ, विभिन्न गतियों के साथ यानी विभिन्न मूवमेंट के साथ एक के बाद एक नए सीन दिखाए जा रहे हैं या फिर एक के बाद एक नए एस्पेक्ट नजरिए को पेश किया जा रहा है. अगला क्वेश्चन है. व्हाट आवर सिनेमा नीड अबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल. स्टाइल इडियम सॉर्ट ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन. कहते हैं लेखक कि हमें किसी देश से कॉपी करने की जरूरत नहीं है. अगर हम नकल करेंगे तो हमारा सिनेमा कभी विकास नहीं कर सकता है. अगर हम पिछड़े हुए हैं तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम सबकी कॉपी कर रहे हैं, खास करके हॉलीवुड की कॉपी कर रहे हैं या फिर आजकल तो बॉलीवुड टॉलीवुड की भी कॉपी कर रहे हैं. कोई भी सिनेमा बनता है साउथ इंडिया का तो उसकी हम कॉपी करके तुरंत हिंदी सिनेमा बना लेते हैं और फिर मार्केट क्या होता है? फ्लॉप होता है, क्योंकि लोग एक ही सिनेमा को बार बार देख कर पक चुके हैं. तो ऐसे सिनेमा से बचना चाहिए. तो लेखक कहता है कि स्टाइल इडियम सॉर्ट ऑफ क्या है जी? आइकोनोग्राफी है, यानी एक ऐसी कला जिससे हमारे सिनेमा का निर्माण होगा और ये सिनेमा यूनिक बनेगा, अनोखा बनेगा. लोग पहली बार ऐसी कहानी को देखेंगे तो ज़्यादा पसंद करेंगे. चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ. लेखक कहता है कि अगर सिनेमा किसी चीज़ पर बनाना है तो वास्तविक जीवन पर सिनेमा बनाइए. ऐसे चीज़ों पर सिनेमा मत बनाइए जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो. अगर ऐसा सिनेमा बनेगा तो लोगों को पसंद आने वाला नहीं है. रॉ मटेरियल जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने का बेसिक चीज़ क्या है. ठीक है, जैसे अगर आपको खीर बनानी है तो आपका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? दूध होगा, चीनी होगा, चावल होगा, इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? खीर. तो सत्यजीत राय लेखक कहते हैं कि अगर आपको सिनेमा बताना है तो आपके लिए क्या शामिल होना चाहिए? लाइफ शामिल होनी चाहिए उसमें, जीवन शामिल होना चाहिए. हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स. इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं अपने महान राइटर का और उनका नाम क्या है? सत्यजीत राय. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फेस्टिवल सहित राय रिसीव्ड पुरस्कार. उनको कहाँ कहाँ पर पुरस्कार मिल चुका है. बहुत ही फेमस राइटर है हमारे देश के. देखिए वेनिस है, कांस है और ऑप्शन में है आपका, देखते हैं कौन कौन सा, बर्लिन है. तो ये ऑल ऑफ दीज होगा. स्टैंड और क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स? ऑल ऑफ दीज. यानी कि शहीद राय को वेनिस में भी पुरस्कार मिला है, कांस में भी पुरस्कार मिला है और बर्लिन में भी पुरस्कार मिला है. यही नहीं, मरने के बाद जब मर गए तो मरणोपरांत उनको विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा का पुरस्कार दिया गया था और उस पुरस्कार का नाम आप जानते हैं, ऑस्कर्स, जो कि भारत में बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी सिनेमा को आज तक इंडिया में ऑस्कर नहीं मिला है. हाँ, कुछ एक्टर्स को जरूर मिल चुका है, जिसमें हमारे महान एक्टर इरफान खान जिनकी डेथ हो गई थी, लाइफ ऑफ पाई के लिए उनको मिला हुआ था, और फिर एआर रहमान जो कि सिंगर हैं उनको भी मिल चुका है उस सिनेमा के लिए. उस सिनेमा का नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, बहुत ही अच्छी सिनेमा है. तो इस चीज़ के आप याद रखेंगे कि अगर कोई राइटर है, डायरेक्टर है जिसको पुरस्कार मिला है ऑस्कर पुरस्कार, तो उस राइटर का नाम है सत्यजीत राय. तो इनको बर्लिन, वेनिस और कांस तीनों फेस्टिवल में पुरस्कार मिल चुका है. रे यूज टू कंपोज अपने सिनेमा के लिए. वो क्या करते थे? तो अपने सिनेमा के लिए वो म्यूजिक भी बनाया करते थे, यानी एक राइटर होने के साथ ही साथ वो एक म्यूजिशियन भी थे. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाई सत्यजीत राय, बहुत ही फेमस उनके द्वारा बनाया गया सिनेमा है पथेर पांचाली। पथेर पांचाली लगभग उनका पहला दूसरा सिनेमा था, उसके बाद उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी भी बनाया और चारुलता भी बनाया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड सत्यजीत राय एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, ऑनररी का मतलब होता है बिना मेहनत का, यानी बिना वहां पर गए हुए आपको डिग्री मिल गई है, उपाधि मिल गई है, सम्मान में आपको उपाधि मिली हुई है। कौन सी उपाधि मिली हुई है, डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है। तो वो उपाधि देने वाला कॉलेज कौन सा है, वो उपाधि देने वाला कॉलेज है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको मिला हुआ था, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री एन ऑनर विच इज वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। देख लीजिए लिखा हुआ है कि ये पुरस्कार दुनिया में बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है, तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ के एक डायरेक्टर जो कि वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर हैं सत्यजीत राय, जिनको फेमस पुरस्कार ऑस्कर भी मिल चुका है और ऑक्सफोर्ड से उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल चुकी है, यानी हम उनके नाम के सामने क्या लगा सकते हैं, डॉक्टर, यानी डॉक्टर सत्यजीत राय। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो कौन सी चीज है जो कि दुनिया में हर एक प्रकार की कला को पेश करने के लिए हाजिर है, जो कि बता सकती है कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या जीते हैं, एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट करता है। तो जैसा कि हमारा लेसन का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, तो ये सिनेमा से रिलेटेड है और सिनेमा ही हमको बताता है कि हमें, हम लोग हमारे जीवन में क्या चल रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म आता है आपके सामने कि पहली बार शॉर्ट फिल्म किस साल में आई थी और पहली बार फीचर फिल्म किस साल में आई थी। चलिए तो शॉर्ट फिल्म 100 से शॉर्ट होता है और 100 से सात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 100 से शॉर्ट और 100 से सात, यानी 1907 में क्या आया था, शॉर्ट फिल्म आया था, और 1913 में इसके 6 साल के बाद क्या आया था, फीचर फिल्म। लेसन में सिर्फ दो ही साल की चर्चा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लेसन में और कोई साल दिया ही नहीं है, सिर्फ दो साल दिया हुआ है, एक है 1907 और एक 1913। तो शॉर्ट फिल्म 100 से 7 याद रखेंगे, 1907 में शॉर्ट फिल्म, तो आपका बच गया क्या, फीचर फिल्म 1913। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म, देखिए आपके सामने सेम क्वेश्चन आ गया, तो शॉर्ट फिल्म है 1907 में और फीचर फिल्म है 1913। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन इन अब्रॉड, वो कौन सा कारण है कि जो हम अपने सिनेमा को विदेशों में नहीं ज्यादातर भेजते हैं, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ऑन प्रोडक्ट। बात ये बिल्कुल सही है, लेसन में दो चीज़ों की चर्चा की गई है, पहला तो ये कि हम लोग ज़्यादातर कॉपी करते हैं, तो जब हम कॉपी करते हैं तो फिर नकल करके किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सत्यजीत राय बार बार इसीलिए राइटर्स को या डायरेक्टर को बोलते हैं कि आप लोग चोरी करना बंद कर दीजिए, ओरिजिनल चीज़ बनाइए। और दूसरा ये कि भारत का मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पर सिनेमा की काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्शन, अपने सिनेमा के लिए हम खुद ही काफ़ी हैं, खुद बनाकर खुद ही देख सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस मीन्स, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, और ऑप्शन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है। देखिए मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, हिडन फैक्ट्स, हिडन का मतलब रहस्य होता है, छिपा हुआ, और सीक्रेट का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। लेकिन एक और ऑप्शन आपके सामने है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना मुश्किल हो उसे ही तो मिस्टीरियस कहते हैं, रहस्यमय है। रहस्य का मतलब सिर्फ छिपा हुआ नहीं है, रहस्य का मतलब ये होता है जिसे कोई भी ना जानता, और अगर कोई भी जानता हो तो फिर वो रहस्य नहीं हो सकता है, यानी बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। चलिए तो रहने देते हैं स्टूडेंट्स, यहां से आपका लेसन 5 शुरू होगा, लेसन 5। तो आज हम लोगों ने दो लेसन को देखा, कौन कौन सा लेसन था, लेसन 3 गिल्लू और लेसन 4 व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन सिनेमा। लेसन 5 जो कि बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है, इस देश का नाम, इस लेसन का नाम क्या है बता दीजिए आप, ऑंग सैंग सून की के द्वारा दिया गया ये लेसन है और उसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। ये 10 दिसंबर 1991 ओस्लो नामक शहर में इनको पुरस्कार मिलता है,
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और ये जेल में बंद है, इनका बेटा अलेक्जेंडर हैरिस जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहे, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।